दिल्ली में बड़ी ठंड के साथ चुनावों ने देश का मिजाज गर्म कर रखा था। हर किसी को उस घड़ी का इंतजार था जब वोटों का पिटारा खुले और शुरुआत हिमाचल के नतीजे सामने आए। चुनावों के रुझानों ने एक बार फिर मोदी को जीत दिला दी है। दोनों ही राज्य में जहां एक बार फिर कमल खिला तो वहीं कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई। या फिर यूं कहें कि इन चुनावों में भी मोदी का डंका बजा है और कांग्रेस की लंका लग गई। ऐसा लग रहा है बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ती जा रही है। गुजरात हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों से उत्साहित बीजेपी ऐसे मना रही है जश्न। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीटों की गिनती जारी है। गुजरात में 182 सीटें और हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती 8 बजे से जारी है। बीजेपी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के रुझानों ने बहुमत के आंकड़ों को छू लिया है। इसी के साथ बीजेपी के दिल्ली में ही नहीं बल्कि अन्य कार्यालयों में भी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। शुरुआत रुझानों में जहां बीजेपी कांग्रेस में गुजरात में एकावारी टक्कर दिखाई दी, वहीं कुछ ही देर बाद रुझान बीजेपी के पक्ष में आते दिखे। जैसे जैसे दोनों राज्य में चुनाव के नतीजे आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कार्यकर्ता और समर्थकों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी भी इस बीच जीत का भी साइन बताते दिख गए। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी बीजेपी कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। इसी बीच देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट।